कैसे हो आप सब? अर्चना ब्लॉक में आपका स्वागत है। और मैंने सोयाबीन को नमक डालकर और अच्छे से उबाल लिया है और तेल को गरम करके अब उसमें अच्छे से सोयाबीन को हम फ्राई कर लेंगे और हम बनाएंगे आलू और सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी सब्जी। और ये है मेरा बेटा जो पीछे से बहुत हल्ला कर रहा है। अच्छे तरीके से हम लाल करके और सोयाबीन को भून लेंगे। और इधर मैंने अच्छे से आलू को उबाल लिया है। आलू उबालने के बाद प्याज को भी कट करके रख लिया है। अब सोयाबीन अच्छे से हो गया है फ्राई, इसलिए हम कट निकाल लेंगे उसको प्लेट में। और सारे सोयाबीन को हम निकाल लेंगे प्लेट से बाहर। और वापस से कढ़ाई में डाल दिया है मैंने थोड़ा सा तेल, उसमें डाला है 2 लाल मिर्ची और 1 तेज पत्ता। अब इसमें डाल देंगे प्याज को और मैंने आलू को भी उबाल कर और छील कर कट नहीं किया है, उसको हाथ से ही फोड़ कर और रख लिया है। और इधर तब तक प्याज लाल होगा तब तक मैं अदरक और लहसुन को खल में कूट कर और तैयार कर लेती हूँ और प्याज को अच्छे से कर लेती हूँ लाल। प्याज को कर लिया है हमने अच्छे से लाल और अब हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन। और अब हम डाल देंगे अदरक और लहसुन को कूट के 1 चम्मच। सभी को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और बाकी जो बचे हुए मसाले उन सभी को भी हम डाल देंगे। हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और धनिया पाउडर और साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला न जले। कर देंगे सभी को अच्छे से मिक्स। स्वाद अनुसार लाल मिर्ची जितना तीखा खाते हो। और उसके बाद हम डाल देंगे जीरा पाउडर और कर लेंगे सभी को अच्छे से मिक्स। और मसाला को हम थोड़ी देर अच्छे से भून कर और पका लेंगे। गैस का फ्लेम कम करके ही मसाला को भूनें। हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून रहा है और लगभग लगभग हमारा मसाला भून के हो गया है तैयार। इसमें हम डाल देंगे आलू और सोयाबीन को। मैंने आलू को अच्छे से उबाल कर छील कर हाथ से ही फोड़ कर रख लिया है। इसको कर देंगे सभी को अच्छे से मिक्स। और इसमें हम डालेंगे अब गरम मसाला। ये डाल दिया मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और सभी को कर देंगे अच्छे से मिक्स। और थोड़ी देर तक आलू सोयाबीन को मसाले के साथ भून लेंगे। डाल देंगे थोड़ा पानी ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। सब्जी को ढककर और मैंने थोड़ी देर तक अच्छे से भून लिया है। आज सब्जी का कलर भी हो गया है लाल। और गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने ना ज़्यादा तेल और ना ज़्यादा मसाले का यूज़ सब्जी में नहीं किया है। सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनाई है कम मसाले में। और इसमें हम डाल देंगे जितना चाहे ग्रेवी उतना पानी। पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है ताकि गैस का फ्लेम कम करके छोड़ दूंगी तो अच्छे से मसाला और सोयाबीन तो ऐसे उबला हुआ है लेकिन थोड़ा मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। और अब सब्जी को हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ढककर। सब्जी अब बन के हो गया है तैयार खाने के लिए। रोटी चावल आप अपने मनपसंद के चीज़ के साथ इस सब्जी को खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी।
और हो गई है बहुत ही पक गई है। सोयाबीन में भी इसका पूरा फ्लेवर अच्छे से आ गया है। बाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।